गाइस दिन भर की काम थकान से थोड़ा सा राहत मिला है, थोड़ा काम अपने नहीं थकानी, नहीं का काम सबसे बड़ा काम है। हमके यार थोड़ा सा अपने चेहरे का भी ध्यान दे दो, इतने महंगे महंगे तुम्हारे मेकअप के प्रोडक्ट हैं उसे भी यूज कर लिया करो। कल पार्लर में गई 2500 रुपए पानी भाग चली आ गई। मैं कहता था इस लड़की को, अरे कौन बोला 2500 लगा जी, तब कितना लगा था? 500 रुपए भी दाई मिला था, कितना लगा था? तुम सच सच क्यों नहीं बताते? फिर 3000 ऐसे बोलो ना, तो 500 विदाई मिल गया तो 500 कम हो गया, तो हो गया 2500। 500 बाबू को ना विदाई मिला था, गई थी वहाँ पे ना, तो मुझे लगा भाई वही होगा 2500 रुपए। बाबू को भी मिला था, छोटाला बाबू को, दोनों को मिला था। हम्म, चलो अच्छी बात है, खोल के 500 खुश हो गए कि चलो डिस्काउंट नहीं की तो हो गया। देखा था यहाँ पे, देखा था क्या हुआ, बाहर पड़ा था डिस्काउंट की, बाहर नहीं रही और प्यार कर रही, डिस्काउंट की थी। बाल नोचती है कि मेरा खुद ही नोचती हो? मेरा बाल सुबह जी आज सुना जाओ, आज लाइट इतना कट रहा है कि सब लोग बेहाल हो गए हैं। अभी इन्होंने साफ सफाई की है, पूरा फैला हुआ था और अभी फिर थोड़ा सा फिर फैलने जैसा लग रहा है। अब यार अकिया हमारा, मेरा भी अकिया खराब हो गया है। हम पार्लर से तैयार हो गया है ना, बहुत सुंदर लग रही हो, लोग अच्छी लग रही, हम नहीं लग रहे हैं। हाँ ना, वो तो अच्छी लगत रही, तब का देख के जरत रही, हाँ ऐसे मजाक कर रहे दोस्तों। तो नागिन लगत है, तुम घर की नागिन हो? अरे हमको बहुत बड़ी कर है, देखा पिंसी जी जय संगी कहते हैं, मेरा हमेशा शिकायत रहेगा, मेरा नहीं, आइए फिर लड़े, मेरा ब्लाउज नहीं सी ना, मेरा कुर्ती फिट की, आज फिर आ गए, पता है सबको पूरे घर में मेहंदी लगाई लेकिन हमको एक बार, हाँ यार पिंसी गजब, हम किसको लगाए, कुछ वो नहीं किया, क्या हुआ इनको लगाए, इनको लगाए और किसी को, अरे फिर बहस हो गई है, पाँच रुपया की मेहंदी तू अपने भौजी ना दे सका, तू आप हमसे बोली कि हम मेहंदी लगवाएंगे, छह महीने साल भर में आती है तो पूछ ले, अच्छा लगा देंगे, कल लगा देंगे, इतनी प्यारी सी बाबू लेके आया है, पहले बताइए परसों का है, चलो पिंसी कल लगाए दो, अरे कहा पिंसी, मम्मी क्योंकि बाबू बहुत ज्यादा पतला मिला है ना, बाबू बाबू हम जिससे अभी का खा मालिश करते हैं उसी से बाबू का भी करेंगे, हाथ धो रहे हैं कि तो बाबू ने परेशान कर रहा है, तो चलते हैं बाबू को फटाफट मालिश कर लेते हैं बाबू का पैर। तो ये देखिए बाबू का, बाबू वैसे पैर पे नहीं सुलाना चाहिए ना, पैर पे मालिश करते हैं, पैर पे तो करते हैं मालिश, पैर पे करते हैं पर भांजा है ना, यहाँ नीचे सुला के करते हैं ना। तो देखिए इनके मम्मी का मोबाइल ले लिए हम, तो पीछे से मुड़ के देखने लगी कि फोन कहाँ चला गया, यहाँ पे बाबू का उस वाले तेल से मालिश हो रहा है, कौन सा तेल, जड़ी बूटी से मिल के बना हुआ है, इससे ना हड्डी बहुत मजबूत होती है, आप भी ले लीजिए, वो तो नाम बता दिए पर पता नहीं कहाँ मिले, नहीं ये तेल ही महक रहा है, तेल तेल के अलावा भी कुछ नहीं, कोई पादे हुए तो आधे का तरीके की स्मेल बस ये उठी, हां तो सब 3 दिन से वही खाते हैं पूरी सब्जी तो खावे, अरे होता है तो नेचुरल है, वो तो नेचुरल है सबके पास आता है, ये अविका भी करती है, बाबू तो हर में, बाबू तो वीडियो में रोज डेली करता है, उसका वीडियो में डेली आता है, अरे मेरी मम्मा
बाबू मिज्जी मिज्जी हो रही है क्या, मिज्जी हो रही है क्या? दो ले लीजिए क्योंकि ना दिल्ली में कहीं क्या बोलो, मोबाइल चाहिए देख रही हूँ बार बार। हाँ दे रहा हूँ बड़ा जल, लो दे रहा हूँ। यहाँ जल बट रहा है, यहाँ जल बट रहा है, यहाँ देखो बाबू छोटा बाबू है ना, ऊंचा ले रहे, ऊंचा ले रहे, मालिश करते भाई है ना छोटा, राखी बांधो की ना रक्षाबंधन पे आ रहे, बाप रे चढ़ बैठ रही है तो। ले लो थोड़ा सा मालिश कर दे, देखिए गाइस झगड़ा हो गया मियां बीवी में, आज खतरनाक झगड़ा हो गया। गाइस देखिए मियां बीवी में खतरनाक झगड़ा हुआ, आपको मालिश करने चीज हो, देखो देखो देखो, एक सुबह से घर में हूँ, एक दिन बाहर नहीं, दो दिन बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा देखो देखो। चलो आज का टाइटल ये रहेगा कि बाबू का मालिश करना आपको जलन हो रहा है। जलन नहीं हो रहा, अच्छे से मालिश करो उसका, पकड़ो तभी तो इसके ऊपर चढ़ जा रही है, ये बहुत ही तेज हंसता है। गाइस मालिश करने के बाद सब लोग चले गए उस घर, और उस घर मतलब यूबी के घर और पवन के घर, सब लोग गए थे मिलने, यहाँ पे हम थे, सारे बच्चों को देख रहे थे, और मम्मी 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 साथ नीचे गई थी, और इधर बाबू को देखिए, बाबू बच्चों के साथ खेल रही थी, तो हम सोचे थोड़ा सा वीडियो में ही शूट कर ले और थोड़ा बच्चों के साथ घुलने की कोशिश करती है, लेकिन क्या करें ये भी तबीयत नहीं सही रहता है बाबू का, तो नहीं खेल पाती है। जब तबीयत सही रहता है और गर्मी नहीं लगता है ना, तो एकदम मस्त रहती है। अब ले ली फ़ोन सोना, उससे फ़ोन ले लेगी, बोलेगी दो मेरे दादा का है, ऐसे बोलती है, तो बच्चे हैं थोड़ा होता है कि मेरे दादा का है, ये मेरी दादी का है, तो बोलते हैं। बेटू आप भी कुछ बोलोगे, मेरे बेटू भी बोल लेती कि नहीं मेरे दादा का है, देखो बोल रही है अभी, बोल दो बेटा बोलो कुछ बोलो, तो इधर खेल रही है और सोना मोबाइल लेके भाग रही कि मेरा अभी का फिर से ना ले लें, और वो देखती रह गई। तो चलो बच्चे हैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खेलें। बाबू मेरी बाबू को मेरा फेस कैसा हो गया है, पूरा आँख आ गया, उसका जुकाम हो गया है सब एकदम। अब धीरे धीरे मेरे पास आ रही है बाबू, बाबू कुछ बोल रही हो क्या? गाइस गुड मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे अभी रोटी बना रही हैं, बाकी सारा काम भाभी ने कर दिया है, दाल बना दिया, चावल बना दिया, सब्जी बना दिया, और भाभी ने आटा पिसाना है, और कोमल रोटी बना रही थी, और ये भी ये काम नहीं कर रही दोस्तों, सारा काम भाभी कर रही घर का, और इसलिए कि अभी उसका क्या है, उसका भी थोड़ा आँख में दिक्कत हो गया है, और बहुत नीने नी करती है, मैं रोती रहती है, किसी के पास जाती नहीं है, तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चे देखती हैं, इसलिए नहीं हो पाता, इसलिए भाभी जो है कि घर का सारा काम कर देती है, सुबह उठ जाती हैं, झाड़ू पोछा भी लगा देती हैं, पहले थोड़ा लेट उठती हैं, जो भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काम करती हैं, तो अभी तो सारा वही भाभी काम करती हैं, क्यों जी? तो आप लोग समझ सकते, इसलिए मैंने साफ साफ बता दिया कि भाभी ये भी मतलब इनकी जेठानी जी अभी ज़्यादा काम करती हैं, अभी कम करती हैं, ताकि कमेंट ना आए कि मैं काम क्यों नहीं करती हूँ। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अभी नानू ली है इसलिए तो मैं रोटी बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और भाभी के लिए भी प्यार दीजिएगा, इनके भी प्यार दीजिएगा, अब रोटी बन जाएगा तो सब लोग खाएंगे, क्योंकि अभी सब लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने घर, किट्टो और बंदन भी आज उनका विदाई है घर से, मम्मी भी आएंगी तो सब लोग घर जाएंगे, क्योंकि उनका भी कल का टिकट है, हमारा भी कल का टिकट है, तो इसीलिए फटाफट हमके खाना मतलब खाना तो आप पूरा भाभी ने बना दिया, वही तो इतना बच्चे ना, बच्चे तो मुझे इनको पहचानते, ज़्यादा गाँव में रहते नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है, तो रोटी बना दो, खाना खिला के सबको विदाई करवाते हैं यहाँ पे, तो बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली।